Now T12 lion. The T12 patient has full innervations of the rectus abdominis muscles, oblique muscles of the abdomen, transverse abdominis or muscles of the thorax. ठीक है. The T12 spinal nerves are responsible for abdominal muscles and the skin over the buttocks. A pinched nerve at this level may cause pain into the buttocks or over the abdomen. अब क्या lacks होंगे? The patient doesn't have innervations of the primary hip hikers. प्राइमरी हिप हाइकर्स जो है वर्क नहीं कर रहे, तो उनमें कौन शामिल होता है? क्वाड्रेटस लंबोरम मसल मसल्स एंड लोअर इरेक्टर स्पाइना, जो हमें इरेक्ट पोजिशन में रखते हैं. देयर इज स्टिल वीकनेस ऑफ द लो बैक वेयर लंबर मस्कुलेचर इज नॉट इनर्वेटेड द पेशेंट. द पिक्चर ऑफ क्वाड्रेटस लंबोरम मसल आप देख सकते हैं, जो ग्रीन कलर शो किया गया, ये क्वाड्रेटस लंबोरम मसल है. ये हिप हाइकिंग में हेल्प करते हैं. एंड दीज आर इरेक्टर स्पाइनल मसल्स, जो हमें इरेक्ट पोजिशन में रखने में हेल्प करते हैं. सी द लास्ट पिक्चर वेयर T7 एंड T12. T7 से लेकर T12 तक जो लगन होगी, तो उसमें कौन से मसल्स इन्वॉल्व होंगे? यू कैन सी इनिशिएटेड है. पेशेंट कौन सी गेट शो करेगा? एक तो हिप हाइकिंग कैन बी अकम्प्लिश विद रिलेटिव ईज ऑफ द सेकेंडरी हिप हाइकर्स. प्राइमरी हिप हाइकर्स जो है क्वाड्रेटस लंबोरम इरेक्टर स्पाइना मसल्स वो तो वीक हैं, लेकिन जो सेकेंडरी हिप हाइकर्स हैं वो थोड़ा बहुत काम करेंगे. तो हिप हाइकिंग हो सकती है इंक्लूडिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑब्लीक एंड लेटस समस डोर्स है. वो कौन है सेकेंडरी हिप हाइकर्स? वो हैं एक्सटर्नल ऑब्लीक मसल्स एंड लेटस समस डोर्स मसल्स जो हिप हाइकिंग करवाएंगे. 4-point गेट शो करेगा, 2-point गेट शो करेगा और स्विंग थ्रू गेट शो करेगा. ठीक है. 2-point गेट, 4-point एंड 2-point ऑल्टरनेट गेट्स आर अचीव थ्रू द यूज ऑफ सेकेंडरी हिप हाइकर्स. हिप हाइकिंग की वजह से हिप हाइकर्स जो एक्टिव हैं सेकेंडरी, उसकी वजह से 4-point एंड 2-point गेट भी साथ शो कर सकता है. आगे मैं बताऊंगी 2-point गेट 4-point गेट होती क्या है. स्विंग थ्रू गेट भी शो करेगा. यूजिंग ऑल दिस गेट द पेशेंट इज यूजुअली इंडिपेंडेंट इन एम्बुलेशन. ही कैन एम्बुलेट फ्रीली ऑन रीजनेबल रफ सर्फेसिस इनसाइड एंड आउटसाइड. अब ये क्यों शो करता है हिप हाइकिंग है 4-point 2-point अपने आपको स्टेबल करने के लिए? क्योंकि उसने वॉक तो करनी है एम्बुलेशन के दौरान. वॉक करने के दौरान वो ऐसी गेट शो करेगा ताकि स्टेबल रहे, वो गिर ना जाए. यहाँ पे नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज 4-point गेट 2-point गेट एंड स्विंग थ्रू गेट क्रचेस के साथ. उसके बाद 4-point गेट क्या होती है? ये ऑल्टरनेट गेट है. द पेशेंट फर्स्ट मूव द राइट क्रच. पहले वो राइट हैंड में जो क्रच होगी उसको मूव करेगा, फिर लेफ्ट फुट को लेके जाएगा आगे, फिर लेफ्ट क्रच को लेके जाएगा और राइट फुट को आगे लेके जाएगा. ये 4-point गेट होगी, यानी कि 4 points पे टच हुई. पहले क्रच और फिर लेग और फिर फुट, फिर क्रच, फिर फुट, 4 point हो गए. 2-point गेट क्या होती है? इसमें द पेशेंट मूव्स द राइट लेग एंड द लेफ्ट क्रच. इसमें क्या होता है? राइट लेग और लेफ्ट क्रच एक साथ उठाता है, एक ही पॉइंट पे जाके रखते हैं. साइमल्टेनियसली देन मूव द लेफ्ट लेग एंड द राइट क्रच. सिर्फ 2 points हुए ना, इस तरह क्रच और लेग साथ साथ उठाई. जो 4-point गेट था उसमें अलग पहले क्रच रखी जमीन पर, फिर पाँव लेकर आया. यहाँ पर क्रच और पाँव एक साथ लेकर जा रहा है, दैट इज 2-point गेट. उसके बाद नीचे आ जाएंगे, स्विंग थ्रू गेट है क्रच के साथ. ये स्टांस फेस और स्विंग फेस दोनों दिखाए हैं. क्रच प्रोग्रेशन साइकिल, लोअर लिम स्विंग, लोअर लिम प्रोग्रेशन साइकिल, लोअर लिम स्टांस. देख सकते हैं आप किस तरह वो लेकर जा रहा है. फिगर से आपको पता लग जाएगा ये स्विंग थ्रू गेट है विद क्रचेस. With this musculature, the patient becomes independent in self-care, bed independence activities and wheelchair independence activities, ambulation, lifting with assistant, sedentary jobs, desk jobs, हाथ से करने वाली job, outside job with assistant, private car with attendant or driver or hand-controlled car. He needs a KAF. The patient is braced with knee ankle foot orthosis. ठीक है. और knee ankle foot orthosis में अगर हमने pelvis को भी पकड़ देनी है कोई, तो हम पेल्विक बैंड भी लगा सकते हैं इफ पेशेंट नीड्स, उसको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है. और व्हीलचेयर जो है वो इसके लिए ज़रूरी है फॉर कन्वीनियंस इन मूविंग अबाउट एट होम, फॉर इंस्टेंस टू एंड फ्रॉम द बाथरूम. अ व्हीलचेयर इज ऑलवेज प्रिस्क्राइब्ड. ओके. द एक्टिविटीज ही कैन परफॉर्म स्टेयर्स. ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ द पेशेंट टू टिल्ट हिज पेल्विस, ही कैन इजीली निगोशिएट स्टैंडर्ड 18 स्टेयर्स. वो चल सकता है हैंड रेल पकड़ के. ट्रैवल ऑन बस, द फॉर्मिडेबल बस स्टेप्स कैन बी क्लाइम्ड laboriously. This enables the patient to take public transportation, but use of private car is more practical. ठीक है, क्योंकि हर तरह की बस सेम नहीं होती है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हम अवॉइड ही करेंगे, लेकिन कर सकता है अगर उसके साथ अटेंडेंट है या फिर
उसके स्टेप्स अच्छे बने हुए हैं। सेडेंट्री एंड सेमी सेडेंट्री जॉब्स, द T12 पेशेंट्स हैज अ वेरी फ्यू वोकेशनल लिमिटेशंस इन सेडेंट्री और सेमी सेडेंट्री जॉब्स अवे फ्रॉम द होम। ही कैन डू सेडेंट्री जॉब्स, द पेशेंट नीड नो अटेंडेंट एंड ऑफन नीड्स टू व्हीलचेयर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे वर्क। व्हीलचेयर उसको चाहिए होगी लेकिन वो सेडेंट्री जॉब इजिली कर सकता है विदाउट एनी असिस्टेंट। लिफ्टिंग वो नहीं कर सकता, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जिसके स्टेप्स भी अच्छे नहीं तो बिल्कुल भी हम उसको नहीं प्रिस्क्राइब करेंगे कि सजेस्ट करेंगे कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन करें या लिफ्टिंग एक्टिविटीज़ करें। अच्छा, यहाँ पे जो है L4 लेगन का देखिए, आप L4 लेगन को द लास्ट वन इन सर्कल, द लेगन इज बिटवीन L4 एंड S2। लोअर मोटर न्यूरॉन्स टाइन्स आर प्रेजेंट इन द लोअर लिम्स एंड द अपर लिम्स आर नॉर्मल। इसमें अपर लिम्स के फंक्शन जो है वो फुली परफॉर्म कर सकते हैं L4 लेगन में। पेशेंट विद द L4 लेगन लेगन जस्ट बिलो द L4 हैज द एडिड फंक्शनल असिस्टेंस ऑफ द क्वाड्रेटस लंबोरम मसल, उसके ठीक हैं लोअर इरेक्टर स्पाइनल मसल ठीक हैं, क्वाड्रिसेप्स एंड प्राइमरी हिप फ्लेक्सर्स उसके वर्किंग कंडीशन में हैं। जस्ट स्टेबलाइजर्स ऑफ द हिप आर प्रेजेंट, एंकल रिमेन फ्लेल, द नी इज सपोर्टेड इन एक्सटेंशन बाय द क्वाड्रिसेप्स सो दैट द KFO बिकम अननेसेसरी। और थोसिस हम कौन सी लगाएंगे L4 में लेगन में? AFO लेंगे क्योंकि फ्लेल एंकल है उसको सपोर्ट करने के लिए। और उसमें हम पोस्टीरियर साइड पर उसका स्टॉप भी लगाएंगे ठीक है, ताकि फुट ड्रॉप जो है वो उसको रोक सके। स्टॉप लगा देंगे फुट ड्रॉप उन्हें प्लांटर फ्लेक्शन जाने से रोकते। एंटीरियर स्टॉप सब्स्टिट्यूट्स इन एन एडमिटेडली मेजर फैशन फॉर स्टेबलाइजिंग इफेक्ट ऑफ द काफ मसल्स ड्यूरिंग द पुश ऑफ फेस में एंटीरियर स्टॉप की भी जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद केन्स एंड क्रचेस की जरूरत पड़ सकती है टू हिज एलिवेशन इज डन बाय द क्वाड्रिसेप्स, दिस इज डिफिकल्ट एंड कैन बी अकम्प्लिश बाय गुड क्रच एंड केन्स और विद असिस्टेंस ऑफ द हैंड फॉर्मली अप्लाइड टू द एंटीरियर थाई। फॉर सफिशियंट अपर लिम स्टेबिलिटी केन्स विद सपोर्ट अबव द रिस्ट आर यूज इंस्टेड ऑफ द वुडन केन। एक होती है रिस्ट से पकड़ने के फोर आर्म क्रच कहते हैं उसको, वो यूज करेंगे इसमें। He also need a wheelchair because जितनी भी लेगन हमने पढ़ी है उसमें wheelchair जो है वो हम ज़रूर prescribe करते हैं। Indoor या outdoor activities करने के लिए ज़रूरी होता है उनके लिए wheelchair में। Wheelchair is useful and convenient at home, लेकिन बाहर जाने के लिए भी ज़रूरी है। अगर अपनी private car है तो वो ज़रूर अपनी गाड़ी में लेकर जाएगा और assistant जो है वो wheelchair को in and out गाड़ी से करने के लिए help करेगा। L4 लेगन के पेशेंट जो हैं ग्लूटियस मीडियस गेट शो करते हैं जिसको ट्रेंडी लेनबर्ग गेट भी कहते हैं और जीनो रिकर्वेटम गेट भी शो करते हैं, और जीनो रिकर्वेटम की वजह से लंबर लार्डोसिस हो सकता है ठीक है। लंबर साइड पर आगे की तरफ पेट निकालता है, जीनो रिकर्वेटम है तो लंबर लार्डोसिस एंड जीनो रिकर्वेटम में भी रिड्यूस बाय केयरफुल ट्रेनिंग। केयरफुल ट्रेनिंग से ये चीज़ें हम रिमूव कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये क्यों कम करना ज़रूरी है? क्योंकि अगर ये इसी पोजिशन में रहे लंबा लार्डोसिस में जीनो रिकर्वेटम में रहा तो जो लंबा रूट है वो कंप्रेस हो सकती है और नी पे आर्थराइटिस भी बन सकता है। कोई चोट लगी सडन तो फिर ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस बन सकता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि केयरफुल ट्रेनिंग से इन दोनों चीज़ों को ख़त्म किया जा सके, कम किया जा सके। द मेजर लिमिटेशन जो है एलिवेशन जो है, ऐसे L4 लेन के पेशेंट्स के लिए ना एलिवेशन जो है ऊपर चढ़ना स्टेयर्स चढ़ना बहुत मुश्किल है। उनको कभी भी नहीं हम सजेस्ट करेंगे कि आप ऊपर चढ़ सकते हैं इवन विद द हैंड रेल। द पेशेंट कैन नॉट स्टैंड फॉर ग्रेट लेंथ ऑफ द टाइम, एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरिंग कॉन्स्टेंट स्टैंडिंग और फ्रीक्वेंट एलिवेशन एक्टिविटीज आर डेफिनेटली नॉट एडवाइजेबल।